आज हम बनाएंगे परफेक्ट मोजरेला चीज़ बिना किसी केमिकल और प्रिजर्वेटिव के। परफेक्ट मोजरेला चीज़ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है, तो फ्लेम को ऑन करके लो पर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो पर रखा है, तो हमें इसे बिल्कुल हल्का गर्म करना है और इसे लगातार चलाते भी रहना है। और मैंने यहाँ पर फुल क्रीम दूध लिया है, तो इसको हम हल्का गर्म कर लेंगे। तो अब हम दूध को चेक करेंगे। आप इस तरीके से फिंगर डालकर देखें, हल्की गर्माहट उंगली को लग रही है, तो बस इससे ज़्यादा दूध को हमें गर्म नहीं करना है। और इसीलिए आप फ्लेम को हाई पे ना रखें, बिल्कुल लो पर फ्लेम को रखें ताकि बिल्कुल हल्का गर्म हो। तो चलिए, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है, तो दूध के भिगोने को नीचे उतार लेंगे। और यहाँ पर आपको कच्चा दूध ही लेना है। अब मैंने एक बाउल में विनेगर लिया है, तो हम इसकी 1-1 टेबल स्पून डालते जाएंगे और इसको हम चलाते भी जाएंगे। तो आप इसको हल्के हाथ से चलाते रहें और विनेगर की जगह पर आप नींबू का रस भी ले सकते हैं। बस हल्के हाथ से इसको आप चलाते रहें और विनेगर डालते जाए। ये धीरे धीरे कर्ड होता जाएगा, तो जब तक ये पूरी तरह से कर्डल ना होने लगे तो तब तक आपको विनेगर डालते जाना है। और धीरे धीरे हमारा जो दूध है वो कर्डल होने लगा है, आप देख सकते हैं। बस हल्के हाथ से आपको इसी तरीके से चलाना है इसको। अब इसको एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। इस तरीके से अब इसको हाथ से इस तरीके से दबाते जाए, इसका सारा लिक्विड निकल जाएगा। अब मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है, तो इसी में हम इसको इस तरीके से इसका सारा लिक्विड निकाल लेंगे। तो ये जो बॉल में लिक्विड निकला है ना, इसको आप कुलचे नान जब बनाते हैं, पराठे वगैरह, तो उसके आटे में आप डाल सकते हैं इसको। अब ये जो पानी है जिससे हमने दूध कर्डल किया था, तो इसको मैंने हल्का गर्म कर लिया है, ये ठंडा हो चुका था। और इसमें हम इसको 4 से 5 सेकंड के लिए डाल देंगे इस मोजरेला बॉल को। फिर से निकाल कर इसको दबाएंगे। और फिर से 4-5 सेकंड के लिए डाल देंगे। इस प्रोसेस को आपको 2 से 3 बार करना है। इस पानी को भी आप ग्रेवी में या फिर आटा गूंदने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने चिल्ड पानी लिया है और इसमें हम कुछ बर्फ़ के टुकड़े डाल देंगे। अब यहाँ पर इस आइस वाटर में हमें 10 सेकंड के लिए इस बॉल को डालना है ताकि ये बढ़िया से सेट हो जाए। और बस उसके बाद इसको निकाल लेंगे और फिर से दबा करके इसका लिक्विड निकाल देंगे। अब हम एक क्लीन रैप लेंगे और इसमें अपनी बॉल को डालेंगे और इसे टाइटली रैप कर देंगे, बिल्कुल इस तरीके से। अब एक एयर टाइट कंटेनर लेंगे और उसमें हम इसको रख देंगे।
चार से पाँच घंटे के लिए या फिर आप ओवरनाइट के लिए भी इसको रख सकते हैं। और इसको हम टाइटली बंद कर देंगे। तो अब आप इसे फ्रिज में रखें चार से पाँच घंटे या फिर ओवरनाइट के लिए, ये बढ़िया से सेट हो जाएगा। तो चलिए अब अपनी मोजरेला चीज़ का रिजल्ट देख लेते हैं कि ये कैसी बनी है। तो उसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। कितनी परफेक्ट हमारी मोजरेला चीज़ बनी है। अब इसकी स्लाइस को हम कद्दूकस करेंगे। तो इसे चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर एक ब्रेड स्लाइस ली है और इस पर हम डालेंगे टोमेटो केचप, आप पिज्जा सॉस भी डाल सकते हैं। इसे बढ़िया से स्प्रेड कर देंगे। इस पर डालेंगे अपनी मोजरेला चीज। और अब जाएगा इस पर चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो। चलिए ये तो रेडी हो गया। अब गैस पर एक पैन रखेंगे और इसमें हम थोड़ा सा बटर अप्लाई कर देंगे। चलिए इस पर हम अपना ब्रेड रख देंगे, फ्लेम को लो पर रखेंगे और दो मिनट में बढ़िया से मेल्ट हो जाएगी चीज़। तो इसको हम कवर कर देते हैं। तो लो फ्लेम पर ढक कर इसे हम दो मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए देख लेते हैं, चीज़ हमारी बढ़िया से मेल्ट हो चुकी है और अब हम इसको निकाल लेते हैं पैन में से। तो चलिए फ्रेंड्स इसको चेक कर लेते हैं। सो रेडी, 3, 2 एंड 1। वाओ, आप देख सकते हैं कितनी स्ट्रेची हमारी चीज बनी है। देखा फ्रेंड्स आपने कितनी बढ़िया से हमारी मोजरेला चीज बनी है, बिल्कुल स्ट्रेची। तो आपको पिज्ज़ा बनाने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि आपके पास में मोजरेला चीज़ नहीं है तो फिर पिज़्ज़ा कैसे बनाएं। अब आप टेंशन फ्री होकर घर पर मोजरेला चीज़ बना सकते हैं और पिज़्ज़ा भी। तो फ्रेंड्स देखा आपने, ये जो स्ट्रेच होता है ये परफेक्ट मोजरेला चीज़ की निशानी होता है। तो उम्मीद आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बराबर में बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस करना ना भूलें जिससे मेरी सारी वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे।